हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली तड़प फिल्म को, जिसके रिव्यू को मैंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया है और उसके पीछे का रीजन भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि जितना ज्यादा भी बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो क्यों लेट हुई है उस पर रीजन देना भी बनता है। बाकी अब बात कर ले फिल्म को फैमिली के साथ देखने की, तो फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ भी जाकर देख सकते हो, जिसमें यहाँ कई सारे स्मूचिंग सीन भी है। बाकी बात करें फिल्म के ओरिजिनल वर्जन की, तो वो फिल्म एक एडल्ट की कैटेगरी में आती है, लेकिन फिलहाल तो फिल्म बिल्कुल भी नहीं, क्यों तो रिव्यू में उन सभी की सभी डिटेल्स पर ही बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अब आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर, जिस फिल्म की कहानी कबीर सिंह की ही तरह एक टूटे दिल वाले आशिक की है, जिसने मोहब्बत में सभी के सभी हदों को पार किया था लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को नहीं पा पाया, जिसके पीछे का रीजन जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, जो ऑलमोस्ट 2 घंटे की है। लेकिन अगेन सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए थिएटर में जाकर देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब डायरेक्टली उन डिटेल्स पर बात करते हैं, और हाँ, सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर भी। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आ जाते हैं रीजन पर कि इस फिल्म का रिव्यू इतना लेट क्यों हुआ है। तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही है कि मैंने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन देख रखा था, जिसके बाद इस फिल्म को देखने की उम्मीद तो पूरी तरीके से मैंने छोड़ दी थी कि इस फिल्म में मुझे कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और जब मैंने जाकर फिल्म थिएटर में देखी तो एग्जैक्ट वही चीज मेरे सामने निकल कर आई थी, जिसमें अगर कुछ चेंज किया गया था तो वो थे एक्टर्स, इसके अलावा फिल्म का बजट, जो फिल्म के लोकेशन को और कुछ एक्शन सीन्स को काफी ज्यादा बड़े स्केल पर दिखाता है। इसके अलावा फिल्म में बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट अगर मैं फिल्म को कॉपी और पेस्ट कहूँ तो उसमें भी कोई भी फर्क नहीं रहेगा, जिसके स्टार्ट के या फिर कह लो फिल्म के फर्स्ट हाफ तक आपको ये फिल्म बस टिपिकली नॉर्मल सी लव स्टोरी की तरह ही फिल्म लगती है। और कहीं ना कहीं अगर ऑनेस्टली कहूँ परफॉर्मेंस के मामले में तो तारा सुतारिया ठीक ठाक लगती है, लेकिन कॉमेडी के सीन्स में अहन शेट्टी बिल्कुल भी नहीं, जो अपनी डायलॉग की डिलीवरी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर नहीं कर पाते। लेकिन इसके अलावा जो उनका इमोशन और जो दिल टूटे आशिक की प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से बाद में की गई है, उसमें वो प्रॉमिसिंग लगते हैं, जिससे यही उम्मीद जाग जाती है कि आगे चलकर वो अपने कैरेक्टर के रोल में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कोई भी रोल उन्हें फ्यूचर में अगर किसी भी फिल्म में दिया गया तो। लेकिन अगर उनकी मेहनत इस फिल्म में जितनी अच्छी तरीके से निकल कर आई है, वो अगर इसी तरीके से कंटिन्यू नहीं रही तो उनका करियर भी अर्जुन कपूर की ही तरह रहेगा, जिनकी शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बाद में वो वही एक्सप्रेशन अपनी हर एक फिल्म में चिपका देते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये अहन शेट्टी की पहली फिल्म है, इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। और आते हैं सिंपल उसी रीजन पर कि अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देख रखी है, जिसे काफी ग्राउंड लेवल पर रखकर बनाया गया था, तो मुझे लगता है कि आपको इस फिल्म पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। बाकी गाने सुनने हैं तो YouTube पर आपको इस फिल्म के गाने मिल जाएंगे, इसके अलावा मर्जी आपकी है। लेकिन अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो फिल्म में आपके लिए सरप्राइज भरे पड़े हैं और एक अच्छा टाइम पास भी। लेकिन जो बात मैं हर बार साजिद नडियालवाला की फिल्मों को लेकर करता हूँ, वो इसमें भी करूंगा कि साजिद नडियालवाला की फिल्मों का बजट बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं की जाती, जो कि इस फिल्म के साथ भी है। और इसका पता आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है, और ये भी बड़ा बजट डिजर्व ही नहीं करती, बल्कि इस फिल्म को काफी ग्राउंड लेवल पर रखकर अगर बनाया जाता तो ये फिल्म रीमेक के मामले में काफी परफेक्ट फिल्म हो सकती थी, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो ये फिल्म भी नहीं बन पाई है। क्योंकि बात रही फिल्म की ओरिजिनल RX 100 की, तो उस फिल्म में देसी टच तो डाला गया था, लेकिन जिस तरीके से उसमें मेन कैरेक्टर लीड को रखा गया था, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो ग्राउंड लेवल के शख्स नहीं लगते, जैसे फिल्म के एंड के क्रेडिट में उस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और वैसा ही कुछ तड़प फिल्म के साथ भी हुआ है, वो भी काफी बड़े लेवल पर, जिसमें तारा सुतारिया वो चीज करने में कामयाब हुई है, यानी कि ग्रीडी लगने में कामयाब हुई है, जिसमें पायल राजपूत नहीं लगती। लेकिन फिल्म में जो लट्स को रखना चाहिए था उसे ही फिल्म से निकालकर फिल्म की मेन जान खींच ली गई, और इसी कारण से ये फिल्म अब एडल्ट की कैटेगरी में नहीं बल्कि फैमिली की कैटेगरी में आ गई, यानी कि फिल्म से फिल्म की सोल ही निकाल ली गई, जो आपको ओरिजिनल फिल्म में ही देखने मिल जाएगी, इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, उस सीन से कई सारे फेमिनिस्ट लोगों को मिर्ची लगती, जिस पर अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी भी कबीर सिंह फिल्म की तरह निकल कर आती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेकर्स काफी बचते बचाते हुए उस सीन को ही फिल्म से निकाल चुके हैं, जो इस फिल्म में काफी ज्यादा अपीलिंग बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये फिल्म एक बस टाइम पास से फिल्म रही, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिसमें मैंने नया कुछ भी नहीं देखा। लेकिन आपके लिए नया जो भी है उसकी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। जिनसे हटकर अब बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म का बजट अच्छा है, इसलिए फिल्म की डायरेक्शन और लोकेशन भी अच्छी लगती है। बाकी फिल्म की सेट डिजाइनिंग, कलर करेक्शन भी ठीक ठाक है, और हाँ, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ी लेंथी लगती है, जिसे आराम से कट कर फिल्म को 1.5 घंटे तक की बनाया जा सकता था, लेकिन 1.5 घंटे की फिल्म वो भी बॉलीवुड की कोई थिएटर में जाकर देखेगा नहीं, इसलिए लेंथ को यहाँ पर सॉन्ग्स के साथ
साथ मर्ज कर ऑलमोस्ट 2 घंटे का रखा गया है। और अब इन डिटेल से हटकर सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से 3 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी, जो इस फिल्म में बड़े स्केल पर रखे गए हैं। बाकी बात करें कॉमेडी की, तो फिल्म की कॉमेडी के लिए 5 में से 1 स्टार बनते हैं, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट फिल्म के डैडी यानी कि सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर को जाता है। और आ जाए फिल्म के ड्रामा पर, तो फिल्म की कहानी में कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसके चलते मैं इस फिल्म की कहानी को यानी कि रीमेक को 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जिनमें मैंने बाकी दूसरी चीजों को भी रख दिया है, यानी कि फिल्म के बजट और वही सारी की सारी डिटेल, जिस पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सारी की सारी डिटेल दे दी है। इसके अलावा बात करें फिल्म के सस्पेंस और इस फिल्म के थ्रिल की, तो वो दोनों ही चीजें फिल्म में है बट मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगेन फिल्म का ओरिजिनल वर्जन मैंने देख रखा है, जिसके चलते मैं इस फिल्म की दोनों ही इन कैटेगरी को 5 में से 0 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात रही फिल्म के मास्टर्स ऑडियंस की, तो अगेन बात करें उन ऑडियंस की जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा है यानी कि इसके ओरिजिनल वर्जन को, तो उनकी नजर में इस फिल्म की कैटेगरी B+ की बनती है। बाकी जिन मास्टर्स ऑडियंस ने फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को देख रखा है, तो उनके लिए इस फिल्म में नया देखने जैसा कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं, जिसके चलते वो ऑडियंस इस फिल्म से इतना भी ज्यादा खुश ना होते हुए इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखेंगे। बाकी बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म बी की कैटेगरी की है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को सी की कैटेगरी में रखूंगा। रीजन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी मर्जी आपकी है कि अब आपको आपका समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अब बस इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।